जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता हमारे दोस्त जो हैं वो हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं पहले की तरह। मैं आज बहुत एक्साइटेड इसलिए भी हूं कि जो शख्सियत अरशद महमूद साहब हमारे, मेरी खुशकिस्मती उन्होंने मुझे वक्त दिया, और उससे भी ज्यादा उनसे प्यार हमारा दो तरह से है। एक तो हमने उनको देखा टीवी पर एज एन एक्टर, एज ए म्यूजिक कंपोजर, 50 साल से ज्यादा उन्होंने काम किया। उससे भी ज्यादा जो मेरा प्यार है एक और, जिससे मैंने बहुत सवालात करने हैं उनसे, और वो है कि जो फैज साहब से उनकी मुलाकात और वो कंपोजिशंस उन्होंने कैसे की। और सो वी गेट टू नो अ लॉट अबाउट अरशद महमूद साहब, जो दुनिया जानती है उन्हें, लेकिन एक अपना जाविया जो अपने प्यार से मैं सवाल करूंगा, और अबाउट फैज साहब एज वेल और हिज प्रेजेंट एक्सपीरियंस एज वेल। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक बढ़ रही है। मेरी कोशिश होगी कि आज का सेशन मुख्तसर रखूं जितना हम पहले होते हैं। तो आप सामिया सलाम, फैसल साहब सलाम, आपको जो सवाल भी हो मैं हाईलाइट भी करता रहता हूँ, साथ साथ कमेंट्स भी जो हैं आपके लेता रहता हूं। जो पर्टिनेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं अपने मेहमान को भेजता रहता हूं, उनसे पूछता रहता हूं। तो आपके कोई भी सवाल हो मुझे जरूर भेजिए। सैयद अहसन रजा, शुक्रिया शुक्रिया। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कि ये हमारे मेहमान जो हैं इनसे हम सबको मुस्तफीद होना चाहिए। रुबाब, थैंक यू, सलाम अलैकुम। इन टॉक्स को शेयर किया करें, आगे बढ़ाया करें, ताकि जितने लोग सवाल पूछ सकते हैं। शगुफ्ता ताहिर कह रही है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग द लेजेंड, इंडीड ही इज अ लेजेंड। और जितने हमारे ज्यादा लोग इसको देख सकते हैं, जितने ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं। एक चीज, अच्छा शौकत नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप पूछ रहे हैं डोंट फॉरगेट टू आस्क हिम टू रीड द फेमस बट एंशिएंट पीस, व्हिच वन इज दैट। ओके, ये भी मैं उनसे पूछूंगा। जब ऐसे मेहमान होते हैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि सवालात भी उनके शाया निशान हो। ऐसे शख्सियात तो हमारी खुशकिस्मती के वो मौका भी मिल जाता है उनसे बात करने का और सीखने का, सबसे बड़ी बात ये है। और शौकत साहब ने क्या लिखा, हर तरफ गेंडे ही गेंडे, दरख्तों पर गेंडे। चलिए जी, मैं मेहमान अपने को ले आ रहा हूँ। हुमा थैंक यू, शौकत साहब थैंक यू, अमारा थैंक यू, प्लीज शेयर दिस कॉन्वर्सेशन, एंड हियर कम्स आवर गेस्ट सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, थैंक यू अच्छा वेरी मच जी, वंस अगेन सर, आपने वक्त दिया मुझे, मेरी खुशकिस्मती सर। मुझे इनवाइट किया, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू सर बी सर एबल टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। और दूसरा ये कि ये एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि वो जो गेंडों का जो है सारा किस्सा, वो जी, दरअसल हमारे एक कॉलीग होते थे सच गप में, सलमान शाहिद, तो अच्छा ये सर, उनका उनका तुर्रा इम्तियाज था, मतलब मेरा नहीं था। अच्छा चलिए सर, फिर भी जो है आप उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो आप जरूर बताइएगा सर। सुनने दैट पर्टिकुलर पार्ट वाज यूज्ड फॉर मी, एक शहजाद खलील साहब थे लेजेंडरी जी, गाने बिल्कुल में, बिल्कुल तो उनका एक ड्रामा था एहसास, या सर, एहसास या दस्तक था, जिसमें मैं मुझे भी उन्होंने कास्ट किया था एज एन एक्टर। तो उसमें जो हीरो थे वो मेरे फोन के रिस्पांस में कहते थे कि अच्छा गैंडा गैंडा बात कर रहा है, अच्छा तो ये बट दी एक्चुअल वो जो आसमान और जंगल पे गेंडे, और वो एक बड़ा मजे का मोनोलॉग था सलमान शाहिद ने किया था, वो सच का, विच आई थिंक सर, वाज बहुत ही जबरदस्त वो चले ड्रामा सर, ये था। तो आपने अच्छा है बता दिया सर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, आपने शुरू तो जो आगाज था अपने कैरियर का, अक्कड़ बक्कड़ से मैं कहूँ, अगर आपने जो धुनें बनाना जी शुरू की, और फिर उसके बाद सर सच गप शुरू किया, जिससे जिसमें आपके साथ नैया नूर साहिबा भी थी सर। जी जी बिल्कुल सर मुझे ऐसे ये ही। बता दें कि नैया नूर साहिबा वैसे कहाँ होती है सर, अब आप उनसे क्यों नहीं अब दरखास्त करते कि वो कुछ हमारे लिए भी कभी। देखें ये सवाल वैसे असूलन तो आपको पूछना चाहिए नहीं रह से,
सर मैं मेरी दस्तरस में नहीं है सर। तो वो सही इसके बारे में सही बता सकेंगे, लेकिन उन्होंने बस एक्टिवली गाना वो छोड़ दिया, कहती बस नहीं ये शायद बोर हो गई या क्या, ये कोई मुझे नहीं है। लेकिन मैं ये एक दफा अभी पिछले साल हमने उनको अपना जो नेपा में, क्योंकि मैं आजकल काम करता हूँ, तो सर वहां सर पे भी बिल्कुल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मिलना चाहते थे, तो हमने उनको इनवाइट किया था और सर हमने उनसे ये नहीं कहा था कि आप गाना गाएं। लेकिन ये सर सवाल बहरहाल वहां उस प्रोग्राम में पूछा गया कि आप क्यों नहीं, तो उसने कहा कि देखें कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाऊं। तो वो ये भी नहीं है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया, लेकिन देखें वो कहते हैं ना कि वाबस्ता रहे शजर से उम्मीदें उम्मीद बाहर है फिर कोई बाहर सर ऐसी। ये जो बच्चों के सिलसिले में आपने शुरू किया एक प्रोग्राम सर अकड़ बकड़, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रिएट म्यूजिक फॉर किड्स सर। हम एक गुफ्तगू पहले खालिद अनम साहब से भी कर रहे थे इसी सिलसिले में। बच्चों के लिए सर ये एक शौक था या शुरू ही बस वहीं से हो गया, क्योंकि आपका एक डायलॉग है वो मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। तो हाउ यू स्टार्टेड विद इट सर? नहीं देखिए वो उस वक्त हमें तो इस तरह का शऊर नहीं था बिल्कुल भी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो जब ये अकड़ बकड़ प्रोग्राम होता था, यानी जो मैंने कॉम्पोजिशन जब करनी शुरू की, तो उस वक्त मैं 22 साल का था। जी तो जी आप इससे बिल्कुल अंदाजा लगाएं कि मैं नॉर्मल सा ही 22 था, कोई कोई सर जीनियस टाइप तो नहीं था। तो लिहाजा हमें कोई पता नहीं था कि ये क्या चीज होती है। तो हमारे उस्ताद थे गवर्नमेंट कॉलेज में शोएब हाशमी साहब, जी बिल्कुल सर मैं गिटार पे गाने वाने गाता था कॉलेज में। तो उन्होंने कहा भी तुम यही गाते रहोगे फिल्मी गाने, या तुम कोई काम का काम भी कर सकते हो। मैंने कहा नहीं अरे मैं वाह गाता। सर तो वो काम का काम जो था वो ये था कि उन्होंने बुलाया वहां पे पहले से फारूक कैसर साहब, जो आप जानते ही अंकल सरगम, और वो उन्होंने बेशुमार टेलीविजन पे किए, अभी भी उनके कार्टून जो है वो मुख्तलिफ जरिदों में, अखबारों में, डेली पेपर्स में छपते हैं। तो फारूक ऐसे साहब वहाँ बैठे हुए थे, तो वो उस गाने लिखते थे उस प्रोग्राम के लिए बच्चों के लिए, और उन्होंने उन्होंने गाना लिख के दिया। उन्होंने कहा भाई इसकी धुन बना दो। अच्छा वो मैंने जो धुन बनाई, तो वो बोल उसके कुछ इस तरह थे कि रावलपिंडी से आई रेल जी नाम है खैबर बेल, अच्छा और वो यानी पसंद आ गया और वो ऑन एयर चला गया। हम बहुत खुश हुए। तो उससे एक और बड़ी खुशी ये हुई कि हमें शोएब हाशमी साहब ने कहा भी अच्छा अब अगले हफ्ते क्या करना है। अच्छा तो उससे फिर ये हुआ कि हर हफ्ते ही एक दो नई कॉम्पोजिशंस बनाने का मौका मिला। तो जब 2 3 4 हफ्ते गुजरे तो हमें पता चला कि हमें तो म्यूजिक आता ही नहीं बिल्कुल, और वो जो जहन में जो एक समझे एक तर्जों का जो एक यानी वो जखीरा था, कहें अच्छा जखीरा तो नहीं मैं कह सकता उसको, कि वो जो 2 4 तर्ज हैं मतलब हमारे जहन में, वो हमने बना ली। और अब समझ में ना आए कि वो जो तर्ज बनाए वो पहली पहली यानी तरह से उस मिल जाती थी। तो अच्छा सोचना शुरू किया कि भाई ये कैसे आगे चलेगा, और वहां से फिर मैंने कोशिश की कि मैं मुसीकी को बाकायदा सीखूं भी और कुछ आगे इसको बढ़ाऊं। क्योंकि जब तक ये ताजदर प्रोग्राम खत्म हुआ ना, तो उस वक्त तक मुझे ये लगता था, मैं वो कि उस वक्त 23 साल का हूंगा, सर तो 1 साल ये चला था तकरीबन प्रोग्राम, तो मुझे ये लगा कि शायद मुझे अब यही काम करना है अच्छा और कुछ नहीं करना। तो लिहाजा वो बहुत एक यानी बहुत ही खूबसूरती से, यानी आप कहें कि ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली चीज। तो अब ये कि मैं यानी वो तर्ज बनाने लगा, फिर ये हुआ कि सच कब शुरू हो गया, वो भी तकरीबन जी 1 साल। तो उसमें बहुत यानी बढ़िया किस्म की शायरी जो है
वो मुझे दी जाती थी कंपोज करने को, जिसमें मीरा जी थे, जिसमें नासिर काजमी थे, जिसमें इब्ने इंशा थे। तो ये वो गीत हमने बनाने शुरू किए। तो आहिस्ता आहिस्ता, यानी क्योंकि काम एक के बाद दूसरा मिलता रहा, तो ऐसे महसूस हुआ कि नहीं, कुछ मैं ये काम इतना बुरा नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हमारी फील्ड भी बड़ी रुथलेस है कि अगर आप अच्छा काम ना करें तो आपको लोग फौरन कहते हैं भी साइड पे हो जाओ, किसी और बिल्कुल, को। तो हाँ, वो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ऐसे कुछ काम होता है सर, बिल्कुल तो वो ये कि वो फिर ये सिलसिला चलता रहा और जो कि अब तक जारी है, अभी भी मैं मतलब। शुक्र अल्लाह का जा रही है सर। सर चूंकि हमने इसका दौरानिया कम किया है प्रोग्राम का, सो आई हैव मेनी क्वेश्चंस टू आस्क। यू आर अ म्यूजिशियन, आप एक्टर हैं, कंपोजर हैं, गाते भी हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, लेकिन अपने अगर कैरियर को आप देखें सर, तो व्हाट्स द बेस्ट यू कैन चूज सर, योर म्यूजिक और योर देखिए, एक्टिंग? धूप किनारे सर, जो अगर एक्टिंग देखे, धूप किनारे लोग नहीं भूलते, धुने देखें, फैज साहब की धुने वो नहीं भूलते, तो व्हाट यू फील इज मोस्ट स्पेशल फॉर यू सर? एक इसमें ये मेरे ख्याल में हर नौजवान इस दौर से गुजरता है। और आप अगर मैं अपना मिसाल हूं, तो ये जब मैं 22-23 साल का था और इस काम से मुंसलिक हुआ, तो मुझे नहीं पता था कुछ भी कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो लिहाजा मैंने अदाकारी भी की और मैंने म्यूजिक भी बनाया। और शुरू शुरू में जो वहाँ गाने थे प्रोग्राम के लिए, उसमें से एक आधा गाना तो मैं भी गा देता था। लेकिन ये काम करते 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 जब मैं 43 साल का हो गया, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उस वक्त जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थी, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। तो उस वक्त मैंने ये मुझे वहम हो गया एक कि मैं ये जो मुसीकी का जो काम करता हूँ ये बहुत अच्छा करता हूँ। और तो लिहाजा फिर बाकी और कामों को मैंने सानवी तरीके से रखा और बहुत कम ड्रामों में काम किया। लेकिन कुछ ऐसा, आप ये समझे कि मुकद्दर कुछ ऐसे थे कि वो जो थोड़ा बहुत काम किया, जिस तरह धूप किनारे है या आंगन टेढ़ा है, तो जी बिल्कुल सर, उसमें मेरी अदाकारी भी लोगों को बहुत पसंद आई। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो मेरे बहुत करीबी दोस्त थे उस जमाने के, उन्हीं के लिए मैंने अदाकारी की। मुसीकी तो मैंने बहुत सारे और लोगों के लिए भी की, लेकिन अदाकारी जो है उसमें एक अनवर मकसूद कोई जो प्रोग्राम करें तो उसमें कैसे मैं ना हूं, बिल्कुल उनसे है और बहुत पुरानी दोस्ती है जो अभी भी जारी है, उसी आबोताब से और उसी गर्मजोशी से हम एक दूसरे को मिलते हैं। तो और दूसरा सारा काजमी के जो नामे थे, उनको मना करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, वो जान को आ जी जाती थी तो क्या अच्छा आपको वगैरह वगैरह। तो ये बस सिलसिला इस तरह चलता रहा। लेकिन अगर आप जैसे सवाल आपने पूछा है, तो उसका जो एक जुमले का जवाब यह है कि मुसीकी बनाना यानी जी सर कॉम्पोजिशन जो है वो मुझे लगता है कि दिस इज व्हाट आई डू। और फिर मैंने 93 में मैं EMI में काम करता था, तो उसके बाद मैंने वहां से इस्तीफा दिया और ये फैसला कर लिया था कि अब मैं सिर्फ म्यूजिक करूंगा। और उसके बिल्कुल बाद सिर्फ यही किया। बिल्कुल और फिर 2005 में नेपा बन गया, तो ये काम छोड़ा। और क्योंकि उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग थे, जिसमें शुएब हाशमी, जिया मुहिद्दीन, ये सब शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इस मुल्क ने तुम्हें बहुत दिया है, अब इट्स टाइम टू पे बैक। बैक तो वो पे बैक वाला सिलसिला 2005 से शुरू हुआ, तो अब जी 15 साल से। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। यानी अब इन 2005 में नेपा शुरू हुआ कराची में, जी तो बिल्कुल अब 15 साल से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। लेकिन साथ साथ जो मुस्तीकी का काम है वो वीकेंड्स के ऊपर लोग गोल्फ वगैरह खेलते हैं तो हम अपने स्टूडियो आ जाते हैं, तो गाना नया बनाने की कोशिश करते हैं, बड़ा लुत्फ आता है। सर आपकी जनरेशन ने हमारी जनरेशन के को काफी खराब किया इस मामले में, कि जो हमने आपको देखा जिन ड्रामों में एक्टिंग करते हुए, जो डायलॉग सुनते हुए, जो कहानियां देखते हुए, ये सवालात बहुत से आ रहे हैं हमारे लाइव फीड में, जिसमें हमारे शौकत नियाजी साहब हैं कि
अब जो मजा है उसमें भी एक डिक्लाइन आ रहा है. देर वॉज अ टाइम ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड एलिगेंट ह्यूमर. व्हाट्स हिज टेक ऑन द डिक्लाइन ऑफ फाइन कॉमेडी इन द कंट्री? इज देर अ डिक्लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल? अगर नहीं तो फिर इसका असर, और दूसरा इससे है, फोजिया हमारी मेरी बेगम ही है, खैर मैं क्या कहूँ. वाई कांट वी प्रोड्यूस द ड्रामाज लाइक धूप किनारे और अनकही, ब्यूटिफुल स्टोरी लाइन, ग्रेसफुल एक्टिंग, डिसेंट ह्यूमर. सो द वर्ड ह्यूमर बड़ा इस पे जोर है सर. भाई देखिए, इसमें जो इदारिया था ना उस जमाने में, वो बहुत मजबूत था। यानी वो लोग जो ये फैसला करते थे कि क्या चीज दिखानी है और क्या चीज नहीं दिखानी, वो बड़े मजबूत थे। यानी उनकी जो जो नॉलेज थी या उनका जो उनकी सोच में जो डेप्थ थी, तो वो ये नहीं कहते थे कि जी ये लोगों को पसंद आएगा। यानी फलसफा ये नहीं था कि जी ये काम करें कि ये लोगों को पसंद आएगा। फलसफा ये था कि लोगों को ये दिखाना बहुत जरूरी है। बेशक बेशक. तो लिहाजा जो अब मैं देखता हूँ कि जितने भी जो हमारे इदारे हैं जो इस एंटरटेनमेंट के कामों में है, उनमें जो सबसे ज्यादा जरूरी यानी ओहदा है वो मार्केटिंग के शोबे का है। बिल्कुल यानी सर. वो बनाते हैं एक तरीका कि जी इस तरह की चीजें हों जो दिखाई जाए तो लोग जो हैं वो उनको पसंद आएंगी। अच्छा, आगे ये नहीं होता था। आगे जो शख्स ये डिसाइड करता था वो मार्केटिंग की फील्ड से नहीं होता था, वो अदब की फील्ड से होता था। बिल्कुल यानी बिल्कुल बिल्कुल उसने अदब पढ़ा होता था, उसने उसको पता था कि क्या चीजें हमारी सोसाइटी में हैं जिनका जिक्र होना बहुत जरूरी है जी बिल्कुल. और क्या क्या वो मजामीन है जो कि इमोशनली लोगों को, यानी हंसना भी एक इमोशन है और रोना भी एक इमोशन बिल्कुल है, सर. तो वो दोनों इमोशंस को साथ लेके चलते थे। तो अब जरा थोड़ा सा जो अप्रोच है वो तब्दील हो गई है। लेकिन मैं इससे खफा नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हर जमाने में ऐसे होता रहा है कि जो चीजें मतलब गालिब को किसी छोटे शहर में या जहाँ पे इतना बड़ा, मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो शहर वाले शायद देखें ये हमारा प्रोग्राम तो कहें कि इतना बुरा समझा हुआ है। तो उनको गालिब समझ नहीं आता। मुझे किसी ने एक दफा ये सवाल भी किया था कि आप बहुत ये शेर व शायरी और इस तरह की बातें करते रहते हैं, तो क्या फायदा ऐसी शायरी का जो समझ ही ना आए किसी को। बिल्कुल तो मैं एक बर्जस्ता जवाब दिया जो कि बाद में मुझे काफी दोस्तों ने कहा कि तुमने अच्छा जवाब दिया। मैंने उन्हें कहा भाई अब मुझे माफ कर दो, मतलब मैं तुम्हारी जहालत का कसूर गालिब को तो नहीं दे सकता। सर. बिल्कुल बिल्कुल तो अगर बिल्कुल आपको नहीं समझ आती तो ये आपकी प्रॉब्लम है। जो जी बिल्कुल आपको अगर आ जाएगी जिस दिन गालिब की, तो आप तो बहुत उसके तरफदार होंगे। आप तो बिल्कुल कहेंगे कि यार अच्छी अच्छी बातें इन्होंने की हैं जिससे आपकी शख्सियत भी, आपका जो लोगों से रवैया है उसमें तब्दीली आ सकती है। मतलब काफी यानी हमारे अदब में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जो आज की जो हमारी सिचुएशन है यानी कोरोना की जो सिचुएशन है जी. सर उससे नबर्द आजमा होने के लिए बेशुमार ऐसी चीजें हैं। तो मेरा मतलब है कि ये तो इससे जो आप यानी अगर मैं समझता हूँ कि हमारे ये सेगमेंट छोटा ही होता है, हमेशा हर सोसाइटी में छोटा ही होता बिल्कुल है। यानी जो शख्स एक जाहिर है कि एक सोसाइटी में मैट्रिक जिसने किया हुआ है उनकी तादाद ज्यादा होती है और जिन्होंने पीएचडी की होती है उनकी तादाद कम होती है। बिल्कुल तो लिहाजा वो वोकैबलरी जो एक मैट्रिक के लड़के की होती है उसके लिए गालिब को समझना या इकबाल को समझना एक थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन ये जराए अबलाग का है सिलसिला कि जी वो अपनी पेशकश ऐसी करें कि वो जरूरी बातें
जो इकबाल या गालिब ने या फैज साहब ने की हुई है उनको वो आवाम तक पहुंचाए, ये भी एक जरूरी काम जी है। बिल्कुल वो उस तरीके से पेश करें कि वो जो जिसने मैट्रिक किया हुआ है उसको भी समझ आने लगे, उसका भी कुछ फायदा हो, वो भी कुछ आगे सोचे, वो भी कुछ यानी इकबाल का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है प्लीज कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, तरक्की उसी वक्त ही करती है कौमें कि हर एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात जौके सबक हयात जौके सफर के सिवा कुछ और नहीं, वाह 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 वाह, हयात जौके सफर के सिवा कुछ और नहीं। तो बिल्कुल लिहाजा वो जौके सफर हमने डालना है अपने अवाम में, तो वो ये सब चीजें जो है उनके डोर स्टेप तक लानी है। और वो ये जो इबलाग के जो जरिए हैं, अब सोशल मीडिया भी है और हर किसी के पास एंड्रॉयड फोन मैं तो देखता हूँ है, तो ये सब जिम्मेदारी उन लोगों की है कि जी वो सही जो बातें हैं, जो नॉन कंट्रोवर्शियल बातें हैं जिससे कि शख्सियत जो है उसमें निखार पैदा होता है, यानी आपकी जाती जिंदगी में जो आपको फायदेमंद रहें और खास तौर पे आपके जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनको वो यानी बहुत अच्छे तरीके से यानी वो आप उसको कर सकें, तो वो रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकें, तो इसके लिए ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है और आपके अदब में मौजूद है और उनको मैं समझता हूँ सामने आना चाहिए। अब आपका ये प्रोग्राम में कम से कम जिन जो लोग देख रहे हैं उन बाल की ये बात की जिंदगी है ही जौके सफर, जिसको जौके सफर वो ही आगे जाएगा, जो सब चीजें हार के बैठ जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है सर, मुझे बहुत जल्दी है कि मैं फैज साहब के ताल्लुकात जो आपसे कुर्बत रही उसके बारे में बात करूं, लेकिन उससे पहले सर आपने अभी एक फिक्रा बोला और यही मैं पूछना भी चाहता था कि हमारे जो बहुत ही मोहतरम नईम बुखारी साहब हैं वो फरमाते हैं कि उन्हें वहम है कि वो खुश शक्ल हैं और वो वाकई खुश शक्ल हैं, और आपको वहम है कि आप म्यूजिक जैसा बनाते हैं वैसा कोई नहीं बनाता, ये भी सच है। तो आपकी धुनें सर चली आ रही हैं और लोग सुन रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं वजी निजामी साहब, सितार नवाज हैं, सैनिया घराने से इनका ताल्लुक है, ये एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वजह है कि आजकल लोग कंपोजिशन को प्रोफेशनली नहीं लेते, नए लोग जो कंपोजिशन में हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस मामले में सर। देखिए एक तो इसमें ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये वजी साहब से आप बल्कि कहिए कि मैं तो बड़ी कोशिश करता हूँ कि लोगों को यानी हम एक ऐसा रिसोर्स डेवलप कर लें कि जहाँ पे लोग जाके जो पहले हो चुका हुआ है काम उससे तारीफ हो जाए। और देखिए जो जो लोक मौसीकी है वो अभी भी कायम है, क्योंकि जब ये खलियान ये गोट ये जितने जब तक ये रहेंगे तो फोक तो रहेगा, ये तो बहुत ही यानी रूट्स से जुड़ा हुआ काम होता है और इसमें बड़ा ये बड़ा मुअस्सर होता है, यानी बहुत ही यानी आपके दिल के करीब भी होता है। अच्छा, लेकिन क्योंकि वो एक राबता जो है वो जरा थोड़ा सा वो हो गया, अगर आपको याद हो पुराने टेलीविजन में जब 6 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी तो उसमें लोक वरसे वाले मतलब इसमें अक्सी साहब ने अक्सी मुफ्ती साहब ने भी काफी काम किए, बहुत प्रोग्राम किए थे, वो सारे पाकिस्तान से इकट्ठे करते थे फोक गुरुकारों को और एक मेला सा हो जाता था तो कुछ ना कुछ लोगों को पता चलता था। लेकिन अच्छा अब वो मेले ठेले उस तरीके से नहीं होते जैसे पहले होते थे, क्योंकि हम मैंने इनायत हुसैन भट्टी साहब को और आलम लोहार को थिएटर में भी सुना और हमें पता चला कि थी वो लाहौर से करीब शेखपुरे से करीब आगे एक मतलब बहुत छोटा सा शहर है चूड़काना, वहाँ पे वो थिएटर लगा हुआ है, तो हम वहाँ पहुँच गए थे लाहौर से मतलब और गए भी स्कूटरों और मोटरसाइकिलों पे कि आते हैं वहाँ क्या होता है। तो लेकिन ये कि इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आजकल के दौर में करना जरा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक सहल पसंदी भी आ गई है, हम एक रिमोट हाथ में मैं आमतौर पे अब घरों में झगड़ा भी जो होता है वो किसी और बात पे नहीं होता, वो रिमोट पे होता है,
जी रिमोट रिमोट करके आते हैं, के बिल्कुल सही तो यानी मियाँ बीवी में झगड़ा भी रिमोट पे ही होता है, वो जी, क्रिकेट मैच बिल्कुल देख सही रहे हैं, वो अपना कोई पकवान का प्रोग्राम देखना चाह रही हैं, तो वो एक भी, अब तुमने काफी देख लिया, अब मुझे देखने अब दो मेरी बेटा, बात। तो लिहाजा वो जो एक यानी जो एक तरीके से जो ट्रेंड था ऑफ गोइंग समवेयर एंड वॉचिंग अ परफॉर्मेंस, वो अब महदूद हो गया है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जो इब्लाग के जो जरिए हैं, जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जी उस चीज़ को भी वो कहीं से पकड़ के लाएं और उसको लोगों इसी रिमोट में उसको भी ले आए, जी बिल्कुल तो सर, ये गुंजाइश बहुत है। यानी जो प्रोग्राम, यानी वो जो 6 घंटे की ट्रांसमिशन होती थी, वो अगर आपको याद हो तो वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद एक अरबी का एक लेसन होता था, जी हाँ, इकरा वो मेरे तो ख्याल वो फिर 1 घंटा सिर्फ बच्चों के लिए होता था, जी बिल्कुल जिस बच्चों के प्रोग्राम आते थे। जी बिल्कुल अच्छा, उसके बाद तकरीबन 1 घंटा उस में से होता था रीजनल प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें ये फोक आर्टिस्ट जो हैं, वो जो लाहौर से पंजाब के और पेशावर से पख्तून और कोयटा से बलोच और सिंध से सिंधी, तो ये सब अपने प्रोग्राम करते थे। फिर जो एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम होता था, जिसमें कोई ड्रामा होता था 1 घंटा, और या मिजाहिया कोई प्रोग्राम या शो होता था, तो 9 बजे उसके बाद खबरनामा होता था आधे घंटे के लिए। जी अच्छा, अब खबरनामा भी 24 घंटे हो गया, जी हाँ तो बिल्कुल हाँ। अच्छा, हालांकि जो आमतौर पे अब क्योंकि लोगों का देखने का वक्त जो है वो आधा घंटा ही है, लोग जी खबर को आधा घंटा ही देखते हैं, लेकिन कोई सुबह 10 बजे देखता है, कोई दोपहर 2 बजे देखता है, कोई रात को 8 बजे बिल्कुल देखता है, ऐसे ही तो है जी। तो उसके बाद फिर कोई एक क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम होता था, जुमे के रोज कव्वाली होती थी, तो एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था। जी बिल्कुल अच्छा, अब यह है कि टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है, जी हाँ और गुलदस्ता जो है उसमें 2 फूल रह गए हैं या 3 फूल रह जी गए, जबकि बिल्कुल गुंजाइश ये है कि उसमें और भी फूल हो सकते हैं। मतलब मुझे बहुत इसमें तकलीफ होती है कि बच्चों के लिए कोई जी भी बिल्कुल चैनल है, वो 1 पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं है, बड़ा बिल्कुल दुख भी होता है। गालिबन आपकी आवाज थोड़ी सी आखिर में सर वो खराब हो गई थी, लेकिन आपने ये कहा कि आपको दुख होता है कि आप बच्चों के लिए कोई खसूसी चैनल या प्रोग्राम। जी हाँ, नहीं होते वो बच्चे जो है आजकल वही YouTube पे वो देखते हैं बाहर की चीजें, मतलब बहुत जी जाता है कभी, मतलब जिस तरह हम बड़े हुए झूलने के साथ, मतलब एक था लड़का टोट बटोट, नाम था जी उसका मीर लोट, मतलब वो मुझे अभी तक याद है जो हमने स्कूलों में ही नजर बिल्कुल पड़ी कि जी एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों से, लड़ते एक लड़ते हो गई जी गुम, एक की चोंच और एक की दो। तो हाँ बिल्कुल ये और अदब आपका बच्चों के लिए यानी मौजूद है। जी तो ये शौकत निहाज साहब कह रहे हैं कि जी जुमेरात की रात और राग रंग होता था, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर मतलब क्लासिकी मुसीकी भी को भी गुंजाइश थी, अब तो कहीं बिल्कुल सुनने सर को नहीं आती, मतलब मैं तो तरस जाता हूँ। ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। सर अब हमारे पास चूंकि 20 मिनट हैं आखिरी, और मैं सिर्फ फैज साहब से सर, चूंकि आपसे एक निस्बत मेरी ये भी है, गवर्नमेंट कॉलेज के हैं आप भी रावियन, मैं भी रावियन हूँ, हमने भी गवर्नमेंट कॉलेज जाकर फैज साहब सुन के उनको पढ़ना शुरू किया, दैट वॉज एन इंस्पिरेशन, और आपका तो ताल्लुक रहा उनसे, निस्बत रही, कुर्बत रही, आपने इतनी शोरा आफाक कंपोजिशंस दी सर, वो मुलाकात कैसे हुई, वो कहाँ से आपने कंपोजिशन शुरू की सर फैज़ साहब से, अगर ये इसके बारे में बता दें सर प्लीज। मैं तो खैर एक मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरी मुलाकात फैज साहब से हो गई, और वो भी उसकी वजह ये थी कि मैं क्योंकि शोएब हाशमी साहब के साथ प्रोग्राम करता था, तो रोज शाम को हमें वहाँ जमा होना होता था, क्योंकि वीकली प्रोग्राम था, तो मुझे याद है कि संडे को हमारी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, तो मंडे की छुट्टी होती थी, मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता हम वो प्रोग्राम अगले प्रोग्राम की तैयारी में लगाते थे, अच्छा तो लिहाजा वो तकरीबन 2-3 घंटे हमें वहाँ उनके साथ बैठना पड़ता था से। तो मेरे ख्याल में यानी
वही मतलब फैसा ने मुझे काम करते देखा। वो जैसे भी आप कह रहे थे कि बच्चों के लिए कैसी तर्जें होनी चाहिए, मैंने एक तर्ज बनाई थी कि झूम रे हाथी झूम, तो वो बिहाग में थी। तो अच्छा फैसा ने ऐसे ही कहा कि भाई ये तो इट इज टू गुड फॉर चिल्ड्रन। अच्छा तो उनकी बेगम भी साथ बैठी थी, बिगम एलिस मामा बिल्कुल एलिस फैज, तो वो कहने लगी कि फैज नथिंग कैन बी टू गुड फॉर चिल्ड्रन। अच्छा वाह वाह व्हाट अ स्टेटमेंट सर वाह ये जो है ये मैं आपके प्रोग्राम के साथ से सबको बताना चाहता हूँ कि बच्चों को तो यार दिखाएं, उनको इंगेज तो करें कि जी हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, कि बिल्कुल सर बड़े खूबसूरत बात वो क्या सारी जिंदगी ट्विंकल ट्विंकल स्टार ही गाएंगे, या बाबा बिल्कुल फैंसी। ऐसे बहुत प्यारी बात सर बिल्कुल दैट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस सर। तो प्लीज सर आप बता रहे थे कि वहीं प्रोफेसर साहब ने वहीं से फिर फैसल से मुलाकात हुई और बड़ी वो शफकत बरतते थे, मुझे आज तक नहीं समझ आया क्यों। बहुत मेरा पूछते भी रहते थे और कभी तुम कर क्या रहे हो, फिर गुस्से जस्ट मस्टन सौदा से मुतारिफ कराने में भी फैसल का हाथ है, मीरा जी से तारुफ कराने में भी उनका हाथ है। मुझे कहते भाई तुम बहुत जाहिल आदमी हो, तुमने मीरा जी को नहीं पढ़ा कभी, और तुम ये अच्छा अच्छा उनके बल्कि अपने कुतुबखाने से मुझे वो किताबें निकाल के देते कि अच्छा ये भी पढ़ के देखो, ये भी पढ़ो। तो जो मेरा मैं समझता हूँ कि शायरी का जौक जो है उस में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन फैज साहब की है। अच्छा सर और मुझे यानी उर्दू की डिक्शनरी देखनी नहीं आती थी, तो वो अच्छा मुझे तो मुझे उन्होंने बल्कि कहा भी एक दफा, मैंने पूछा कि फला लफ्ज से क्या मतलब है, उसने कहा तुम सब चीजें हमसे पूछते हो भाई, लुगत भी कोई चीज होती है। बिल्कुल तो सर हाँ, तो इस ये भी मतलब उनका तो वो तो फैज से भरे हुए थे, तो वो फैज हमने हासिल किया। और फिर जाहिर है कि मैं तो कई दफा ऐसी डिस्कशन में कहता भी हूँ कि वो इतने नफीस और इतने भरपूर उनकी शख्सियत थी और इतनी शफकत देने वाली शख्सियत थी कि अगर वो बड़े शायर ना भी होते, इतने बड़े शायर ना भी होते, तो वो बहुत बड़े आदमी होते। बिल्कुल तो बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका रवैया जो होता था, बस मुझे बहुत ही उस वक्त अजीब लगता था कि जिस तरीके से उनको भी जैसे आम लोगों को मुश्किलात होती हैं, लेकिन उनके चेहरे पे हमेशा एक इत्मीनान ही मैंने देखा बिल्कुल कि वो हर तरीके से ही वो फिर वो याद भी आता है कि वैसे ही उन्होंने शायरी में भी अपना गाया कि जी वो जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाजे गर्दिशे लैलो नहार रखते हैं। मतलब बिल्कुल वो उनको पता है कि जी जब पता गर्दिश में तो फिर कैसे यू हैव टू पास, जैसे हम अब आजकल कोरोना के गर्दिश में है, है तो बिल्कुल सर एक हाँ तो उससे कैसे हम होंगे, मतलब ये यानी खुशदिली से उससे मुकाबला, यानी ऑड यानी जो मुकाबिल जो होता था उससे बड़ी खुशदिली से वो मुकाबला करते थे। सर तो आप एक जी प्लीज प्लीज सर प्लीज आप कुछ कह रहे बस थे सर ये मैं तो बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं उनसे मिल सका और उनसे उनकी बातें सुन सका। और अब जो और एक्सेसिबल भी थे, मतलब मैं जब भी चाहता था उनके घर चला जाता था। तो जिस दिन मैं अब जाके एहसास होता है कि भाई हम कभी अच्छी कोई फिल्म लगी होती थी हम उनके यहाँ नहीं जाते थे, हम फिल्म देखने चले जाते थे। तो अब यह एहसास होता है कि नहीं वो फिल्म देखने क्यों गए, वो उस दिन भी चले जाते, उस दिन कोई और नई बात पता चलती। बिल्कुल ऐसी है सर। तो ये कंपोजिशन सर जब आपको वो खुद देते थे आप अपने प्यार शौक में या और फिर उनको सुनाते थे हाउ इट नहीं स्टार्ट मुझे सर ये जो कंपोजिशन का मामला ये बहुत मजे की चीज है कि कभी मुझे फैज साहब ने सवाय एक चीज के उन्होंने कभी कोई मुझे चीज नहीं दी कि तुम ये कंपोज करो, और कभी ये भी नहीं कहा कि मुझे मेरी फलां चीज तुम सुनाओ, कभी नहीं कहा। अच्छा उन्होंने जो दो चार चीजें मतलब मेरी कॉम्पोजिशन सुनी थी, एक बहुत उनको वो पसंद थी, वो नयरा ने वो गाई थी टेलीविजन पे, वो उन्होंने सुनी भी, तो वो मीरा जी का गीत था कि प्रेमी कैसे बात करे प्रीतम से। जी बिल्कुल
तो ये बहुत जब भी होता कि यार वो सुनाओ यार, वो तुमने बहुत अच्छा बनाया। फिर एक मैंने इब्ने इंशा की एक गजल बनाई थी जो गीत नुमा गजल उसको कहिए तो ज्यादा होगा। वो थी कि अच्छी खासी लंबी बहर थी कि कभी उनके मिलन की आशा ने एक जी जोत दी थी मन में, पर अब वो उजाला सम फिर शाम है मन के आंगन में। तो फैसल वाह, बहुत याद देते कि देखो इब्ने इंशा ने यार ये लफ्ज कैसा निकाला है कि उजाले को संवलाना, यानी बिल्कुल समलाया का जो लफ्ज है बुलाया, वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो वो बहुत वो करते थे। तो ये मतलब चीजें मुझे उन्होंने कभी ये कहा नहीं। एक दफा मैं उनसे ईद मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि तुम भाई हमेशा हम पे इल्जाम लगाते हो कि हम बड़ी मुश्किल शायरी करते हैं, तो हमने अच्छा पुराने अंदाज में एक गजल लिखी है तो वो उसकी कोई धुनमुन बनाओ और नैरा से गवा लो अच्छा तो बताएं। तो वो उन्होंने अभी भी वो मेरे पास है, तो पेंसिल से, ये ग्रेफाइट पेंसिल से उन्होंने कागज पे अपनी लाइब्रेरी जो थी उनकी, तो वहां बैठ के उन्होंने वो मुझे लिख के दी। वो मेरे पास कागज मौजूद है अभी भी। तो वो है, वो गजल थी कि तुम्हें पुकारा है बे इरादा, वाह जो दिल दुखा है बहुत ज्यादा। वाह, तुम्हें तो ये पुकारा बे इरादा जो दिल दुखा है। है ज्यादा, ये सुनाने के बाद उन्होंने पूछा भाई इसमें तो कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, तो तुम्हें कोई जी तामुन नहीं होना चाहिए इसको समझने में। तो वो ये मतलब ये बड़े मेरी यादगार चीजें हैं जो मेरी उनके साथ। तो बहरहाल ये बाद में मैंने जब तर्ज बनाई, मैं नहीं बना सका उनकी हयात में, लेकिन उनके इंतकाल होने के बाद ये मैंने बनाई क्योंकि ये उनका हुक्म था कि ये बनानी है तुमने। तो बाकी जो है वो सिलेक्शन कुछ मेरी होती थी। एक आध चीज अनवर मकसूद ने भी सजेस्ट की और शुएब अच्छा हाशमी ने भी काफी चीजें सजेस्ट की। तो मुझे वैसे ही उनकी शायरी बहुत पसंद है और मैं बनाता ही रहता हूँ। अभी भी ये सिलसिला जारी है, खत्म नहीं हुआ। अभी भी ये सिलसिला जारी है सर। आप सर एक 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 फैज साहब की एक नज़्म पढ़ते हैं, तुम ही कहो क्या करना है। और भी होंगे जो जो पसंदीदा तरीन जो आपको कलाम फैज फैज तो आप सभी, लेकिन कोई एक अगर सुना दे तो आई विल बी ग्रेटफुल सर। और ये मैं आपको सुना देता हूँ। ये है भी हमारी कुछ हालात भी ऐसे हैं कि ये बहुत ही मुनासिब है। अब मुझे याद हो कि वो इस तरह है कि जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लूहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे। ऐसा ना हुआ, जी, हर यह है धारे कि में कुछ अनदेखी मंझधारे हाँ, थी। ऐसा ना हुआ हर धारे में कुछ कुछ अनदेखी मंझधारे थी, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारे थी। अब वाह जो भी चाहो छान करो और जो भी चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। जब अपनी छाती में हमने इस देश के घाव देखे थे, था वेदों पे विश्वास बहुत और याद बहुत से नुस्खे थे। यूं लगता था बस कुछ दिन में सारी बिपता कट जाएगी और सब घाव भर जाएंगे। ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ कि रोग अपने कुछ इतने ढेर पुराने थे, वैद इनकी टो को पा ना सके और टोट के सब बेकार गए। वाह, जो भी चाहो छान करो और जितने चाहो दोष धरो, छाती तो वही है घाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, ये घाव कैसे भरना है। वाह वाह सर वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट मजीद सर, क्योंकि अभी मेरे पास वक्त के मुताबिक 5 मिनट में मजीद अगर इजाजत दें आपके लूंगा सर। आप नापा में, नापा जैसे इंस्टीट्यूट में सर, जहां जिया साहब उसको हेड कर रहे हैं, आप वहां डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं, मुश्किल कितना होता है सर आपको, जो मुश्किलें पेश आती हैं
इन रनिंग दीज इंस्टीट्यूशंस, मैं बहुत ही छोटा इस मामले में हूं कि आपसे ये सवाल करूं, लेकिन गाहे बगाहे सर सरकारी तौर पर या अदरवाइज इन चीजों, इन इंस्टीट्यूट्स को मेंटेन करना सर, ये सर कितना मुश्किल है आपके लिए? हाउ चैलेंजिंग इट इज एवरी डे? जी देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि चैलेंज नहीं है इतना इतना बड़ा। अगर ये चैलेंज होता तो शायद ये खत्म हो गया होता। 15 साल हो गए हैं अभी बिल्कुल इदारा माशा अल्लाह, इट्स प्रोग्रेसिंग स्टिल। और ज्यादा। अब आगे हम इश्तिहार देते थे अखबारों में कि भी लोग आए वहाँ दाखला लें, तो अब हमें वो इश्तिहार देने की जरूरत ही नहीं होती थी। वो इतने लोग पूरे साल में एनलिस्ट हो जाते हैं कि उनकी इंटरव्यूज और जितनी हम हमारी कैपेसिटी है। तो अब मेरे एक दोस्त हैं जो, मैं ये फोन बंद कर दूं क्या, बिल्कुल उनसे कह दूं कि अच्छा मैं फेसबुक पे खुर्रम एक लाइव इंटरव्यू में हूं, तो ये जैसे ही खत्म होता है तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो वो हम क्या बात कर रहे थे। सर, हाँ, आप कह रहे थे कि लोग बहुत तो ज्यादा वो एडमिशन, तो ये बहुत लोग भी ज्यादा, आ, और अब जो है वो सरकार चाह रही है, ये चाह रही है कि हम वो एक नेपा की तरह का स्कूल जो है इस्लामाबाद में भी खोलें, तो इस पे भी बातचीत चल रही है। तो इतनी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन बात ये है कि इसको और तेजी से बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो दो ही एस्पेक्ट होते हैं हर सकाफत की, और ये सकाफत जो है, ये जो कहानियां लिखी जाती हैं या जो ड्रामे बनाए जाते हैं या अदाकारी, ये सब हमारी सकाफत का हिस्सा ही है। और यानी कोई किसी भी नेशन की जो जहनी जो सेहत है उसका अंदाजा उसकी सकाफत से ही लगाया जाता है। तो बिल्कुल लिहाजा सकाफत की डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा काम है, हुकूमत की जिम्मेदारी। यानी जी जितनी बिल्कुल सिविलाइज नेशंस हैं वो सकाफत पे बहुत पैसे खर्च करती हैं। मतलब उस सबसे बड़ी, मैं बरतानिया का जो नेशनल थिएटर है उसकी, उसका बजट आप देखें तो इट्स अनबिलीवेबल। तो लिहाजा इसकी बहुत जरूरत भी होती है, क्योंकि यही देखिए, अब वही जो प्रोग्राम जिस तरह फरीदा खानम ने खलील साहब के लिए वो मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, ये गाना मेरे सामने ही रिकॉर्ड हुआ और रिहर्स भी अरे हुआ, वाह, उस वीडियो क्लिप भी जो है वो मैं देखता हूँ कि है। अब वो हमारी सकाफत का हिस्सा है। इट वॉज अ ग्रेट सॉन्ग, लेकिन जिस वक्त वो बना था तो उस वक्त वो नहीं। मुझे किसी ने पूछा भी कि जी ये गजल गाने वाले अब नहीं वैसे रहे, मेहदी हसन या फरीदा खानम इकबाल मानो। अच्छा, ये सब जो है ताजर, ये हमारे यानी विरसे में हमें यानी जहेज में एक तरह से आ गए, पाकिस्तान बना, क्योंकि जो भी सिस्टम था ये पाकिस्तान बनने से पहले तैयार उस सिस्टम में हो गए। जी बिल्कुल तो मैं उन सब उन बाख्तियार आदमी थे जिन्होंने पूछा, तो मैंने उनसे ये गुजारिश की, मैंने कहा सर हम कोई पौधा लगाएंगे तो वो फूल देगा ना, हम पौधा लगा नहीं रहे, हमें बिल्कुल वो पौधे लगाने हैं जो बाद में दरख्त बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही यही यही काम जो है वो नेपा कर रहा है इन द फील्ड जी ऑफ बिल्कुल परफॉर्मिंग आर्ट्स। अच्छा, ये पेंटिंग में भी होना चाहिए, आर्किटेक्चर में भी होना चाहिए, ये अदब में भी होना चाहिए, ये सब तरफ होना चाहिए। जी बिल्कुल तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक जरूरी चीज है जिसकी तरफ तवज्जो अगर हमारे मुल्क के जो हैं लोग उनकी रहेगी तो ये बिल्कुल नेपा जो है वो अभी कोई, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि ये मैं खुदा का आपसे, शुक्र है, खुदा का शुक्र है, खुदा हमें हुकूमत ने इसको सपोर्ट किया है और ये इसी वजह से ये चल रहा है। अगर ये हुकूमत की सपोर्ट ना होती जी बिल्कुल तो हमें पता है कि जी ये जो हैं जो CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट्स जो हैं वो किस तरह होते हैं और किन किन फील्ड्स में वो जा रहे हैं, वहाँ पे गुंजाइश नहीं है जी बिल्कुल सकाफत, यानी कल्चर के लिए नहीं वहाँ जी बहुत बिल्कुल ज़्यादा गुंजाइश नज़र आती। मैं काफ़ी लोगों से मिला भी हूँ, और ये काम जो है ये सरकार ही कर सकती है, सरकार ही सारी कर सकती सरकारें बिल्कुल
कर रही हैं, तो हमारी सरकार को भी करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर, दस्त बस्ता आपका शुक्रगुजार हूँ। और आखिर में अगर आप वो एक कश फाउंडेशन के लिए कुछ फैज साहब का उसका एक शेर सुना दें, एंड देन एक आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल सर आपके वक्त के लिए। मैंने वो इसीलिए कैमरे से थोड़ा सा अलहदा करके बाजा रख लिया था साथ, सर प्लीज प्लीज सर प्लीज 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 ना भूले तो फिर मैं वो बजा के तो आपको कुछ सुना दूंगा। सर प्लीज प्लीज प्लीज, आपको आवाज तो आ रही है ना? सही जी, बिल्कुल आ रही है। सारा जो इतना लुत्फ है इसमें कि वो फैसल भी कह रहे हैं कि हमने तो मोहब्बत की है, वही इल्जाम हम पे लगा है। हम पे लगा तो अगर कोई कहे कि भाई तुमने ये जुर्म किया है कि तुमने मोहब्बत की है, तो मैं इसको गाली नहीं समझता, ये तो तारीफ आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल आपने वक्त दिया हमें, और मैं फिर भी ज्यादा वक्त ऐसे मुझे याद आ गया तो वो, क्योंकि इम्प्रॉम्प्टू गुफ्तगू आपसे की है ताजा राज, तो इसी गजल में ना एक शेर है जो कि मैं सब अपने जो लोग हैं पाकिस्तानी जो ये कोरोना वायरस की जो है और लोगों घरों में बैठे हुए हैं, तो इसमें इस गजल में एक शेर उसके लिए भी है। वो ये है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है उनकी शाम मगर शाम ही तो है। सर थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, आप को सेहत दे हमारे साथ रखे। सो हैप्पी दैट यू कॉल्ड मी एंड यू डिड दिस प्रोग्राम एंड यू आस्क्ड मी क्वेश्चन। देयर वेरी फ्यू पीपल जो ऐसा करते हैं सर। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम ग्रेटफुल सर। अपना ख्याल रखिए सर, और हम हमारे सारे मेहमान जो अब देखने वाले हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया, और सर खुदा आपको सलामत रखे, महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप सबका। क्या हस्तियां हैं, क्या इनसे हमें यादें मिलती हैं, क्या सीखने को मिलता है। कहाँ हैं अब जो बिहाग में बच्चों के गाने बनाते। बट खैर ये तो हमारी खुशकिस्मती, माइन इन पर्टिकुलर, के वक्त दे देते हैं आप सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप सब ने ज्वाइन किया, अपने सवालात पूछे, कोशिश रही कि उनसे ज्यादा से ज्यादा सवालात मैं कर सकूं। ये भी मैं चाहता था कि ज्यादा वक्त ना सर्फ हो इन पर। और आप सब अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी वजह से नहीं तो दूसरों का सोच लीजिए कि आपकी वजह से उनको तकलीफ हो सकती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़।